जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूँ। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 6 अप्रैल और हम सब मना रहे हैं हनुमान जी का जन्मदिन, तो हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है कि आज है हनुमान जन्मोत्सव। इसको जयंती कहने के लिए प्रेरित ना करें लोगों को, जन्मोत्सव कहने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जयंती उनकी मनाई जाती है जो संसार में नहीं है, लेकिन हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, वो इस संसार में विद्यमान हैं। तो हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने व्लॉग शूट करने को सोचा। आप सबको तो पता ही है, जब कुछ अलग होता है दिन में तो ही मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो आज का दिन कुछ अलग है, बच्चों को कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं। बहुत दिनों से उनका था बहुत काम और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हम लोग नहीं घूम सकते थे, पर हस्बैंड ने प्रॉमिस किया है रोज़ को कि वो उसको कहीं घुमाने लेके जाएंगे, जो बहुत दिनों से वो कह रही थी। अब तो लोगों के रिजल्ट्स भी आ गए, नई क्लास भी शुरू हो गई, तो 3 दिन बैक टू बैक छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो हम लोग उनको कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। ऑब्वियसली वहाँ बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं, कई सारे मेरे फैंस हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं, पर मैं नहीं मिल पाती हूँ। तो मैं सबसे मिलूंगी और कोशिश करूंगी सबसे मिलवाऊँ आप सबको। अगर इस व्लॉग में नहीं हो पाया तो अगले व्लॉग में डालूंगी, वरना इसी व्लॉग में सबको कवर करने की कोशिश करूंगी। देखते हैं क्या होता है, कौन कौन मिलता है, क्योंकि जब आप कहीं जाते हो तो बहुत सारे डीएम्स आने लगते हैं। तो इस बार कोशिश यही है कि जो लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे मिल लिया जाए। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पर, देखते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हमारी सवारी निकल चुकी है अपने गंतव्य पे, अपने डेस्टिनेशन पे, और ये हस्बैंड आप तो जानते ही इनको, ये रहे बच्चे, दोनों थक के स्कूल से आई हैं, और स्कूल से आते ही हम लोग जस्ट रेडी हो गए जहाँ पे हम जाना था, क्योंकि रोज़ के लिए सरप्राइज़ है। रोज़ को जहाँ लेके जा रहे हैं, रोज़ की डिमांड पे एक्चुअली जा रहे हैं। सरप्राइज़ क्या है, रोज़ की डिमांड पे जा रहे हैं, है ना रोज़? तो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, कहाँ जा रहे हैं। बहुत दिनों से इसकी रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट क्या, ऑर्डर था, बहुत महीने से। तो हम लोग चल रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, दिखाते हैं कहाँ पर जा रहे हैं। थोड़ा टाइम है, 2-3 घंटे लगेंगे। और किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, बस वो भी आने ही वाली हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था तो आगे पीछे हो गया। तो बस आप लोग से मिलवाएंगे, वेट करिएगा कौन आने वाला है। आप सब उनको बहुत अच्छे जानते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया में हैं, इंस्टाग्राम में हैं, उनको बहुत अच्छे जानते हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आ रही होगी तो बस मिलवाती हूँ किसी से बहुत जल्द। यहाँ पर मैं प्रियांश के लिए ड्रेस ले रही थी, फिर से मिल रही थी, उस नेक्स्ट मंथ उसका बर्थडे है, मैं बर्थडे में जा नहीं पाऊँगी, दूरी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि, इसलिए मैं उसको एडवांस बर्थडे गिफ्ट दे रही थी यहाँ पे। और ये है फिनिक्स यूनाइटेड मॉल, यहाँ पे हमने वेट किया जिया का, क्योंकि क्रियांश की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, शिवांश की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो वेट कर रहे थे। फाइनली जिया आ गई और भैया भी साथ में आ गए, और रोज़ को मैंने ये जिम्मेदारी दी थी कि थोड़ा शूट कर लेना। यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे हैं कि कैसा लगा और क्रियांश क्यों नहीं आया। अरे आज क्या कर रहे हो आशी? हमारा ये है, आप लोगों का ये है, जिनका जितना बड़ा साइज है उसके साथ ये सही होगा। ये है वो सरप्राइज जिया, हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा हम कैसे मिले, जो कि पहचान की मोहताज नहीं है आप लोगों के लिए, सब जानते हैं, आप लोगों का प्यार है सब जानते हैं। और आज जिया से मिले और इधर
भैया से मिले, बहुत अच्छा लग रहा है, बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मिल लिए। कभी सोचा नहीं था, फ्रेंकली स्पीकिंग कभी नहीं सोचा था कि जिया से मिलेंगे, क्योंकि इतना दूर रहती है और सब पर सोचते थे हाँ यहाँ जाएंगे तो मिल लेंगे, वहाँ जाएंगे, इसका नहीं सोचा था। लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बस एक बात से नाराज़ है हम, क्रियांश को लेकर नहीं आए। नहीं जरूरी था, वो भी रेस्ट करना जरूरी था, इतना लंबा इन्होंने जर्नी काफी कर ली। आप यहाँ रहते हो, अब मैं जब भी इधर से जाऊंगी तब मिलूंगी। पक्का मिलेंगे हम, आगे मिलेंगे। तो बहुत अच्छा लगा जी ऐसे मिलके। अभी ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे बहुत कुछ है। अच्छा लगा आपको मुझे। जैसे बहुत कम टाइम के लिए मिले और बहुत खराब लग रहा है, लग रहा है कि कितना कम समय लग रहा है, अभी मिले और अभी जा रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है, इसको भी जाना है, कल सुबह निकलना है और हमें भी जाना है। और हमें भी थोड़ा दूर जाना है, क्योंकि जहाँ हमारा मतलब हम स्टे किया है काफी दूर है, तो बहुत अच्छा लगा। और आगे मिलते रहेंगे और पक्का वाला, पक्का वाला। और भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा, जैसा वीडियो में दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्यारे हैं, स्वीट है दोनों लोग, एज अ कपल स्टे ब्लेस्ड, हमसे ऐसे ही खुश रहे, खूब ज़्यादा आगे बढ़े, ऐसे ही दुआ दीजिए हम लोग हमेशा, हमारी दुआएं साथ में। और सच में रियलिटी में मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वीडियो में भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी काफी अच्छा लगा। और इन दोनों की जोड़ी सच में जबरदस्त है, जैसे ऑन स्क्रीन जोड़ी है वैसे ऑफ स्क्रीन भी है, सेम ईयर सेम ईयर, ज्यादा नहीं कह सकते, कम नहीं है ना। चलो थैंक यू आने के लिए। और ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। मुझे मैसेज किया, मुझे तो पता ही नहीं था। हमें पता था जिया मेरे आसपास के एरिया में मंडरा रही है, उसको पकड़ लो। अच्छा क्या पकड़? नेटवर्क पकड़ रहा था नेटवर्क, तो उसको पकड़ लिया। तो यहाँ काफी अच्छा जैसा सहयोग था। हाँ सहयोग ही था, मतलब होता नहीं कभी पता भी नहीं चल पाता, हो सकता है अचानक से मैंने इसकी स्टोरी देखी और दिखाई तो लखनऊ के आसपास की जगह लग रही है, तो उससे पूछा और स्टोरी डालना मेरे लिए बहुत अच्छा फायदेमंद हो गया, क्योंकि आपसे मिले और भी बहुत सारे लोगों से मिले जिनको पता चल गया। तो अच्छा पता ही नहीं चलता था ना, तो मिल गई, बहुत अच्छा लगा, फिर मिलते भी रहेंगे हम लोग, बहुत अच्छा लगा। इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। बाय। ये है हमारा होटल का रूम जहाँ पे हमने किया है स्टे, पूरा घर यहाँ बस गया, मेरे पति देव मेरे चक्कर काटते हुए चक्कर ताकि इनको हम दिखा ना दे। तौलिया और बनियान में, ये है आशी चड्डी बनियान में, ये हमारा सामान है और ये हैं हम। तो आज हम लोग गए थे मिलने जिया से, मिल करके आ गए हैं, आते ही एक्चुअली कल हमारा आने का कुछ प्लान था, हस्बैंड को कुछ काम था यहाँ आना था, लेकिन जब पता चला कि जिया आई है तो वो हमने प्लान प्रीपोन कर लिया और हम एक दिन पहले ही आ गए। तो यहाँ हमने होटल में स्टे लिया, पहले से हमारा बुक था, तो एक दिन के लिए आए हैं क्योंकि रोज़ की छुट्टियों के बाद आ नहीं पाए थे। तो शाम को हम लोग यहाँ आए हैं 7 बजे, जिया से मिले, अभी जस्ट हम लोग यहाँ आए हैं घर वापस, मिलके बहुत कम समय लगा, मिलके इतना अच्छा लगा, लगा तो और होना चाहिए था हमको उनके साथ, बहुत ही प्यारा कपल है, बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ मिल करके, अपने जैसा लगा। तो बस हम लोग मिलके आ गए हैं और बच्चे चेंज कर रहे हैं, अब सोने की तैयारी होगी, सोएंगे, कल फिर निकलेंगे कहीं ना कहीं घूमने, बहुत सारे लोगों ने प्रॉमिस लिया है मुझसे कि मैं उनसे मिल के आऊँगी, तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलेंगे कुछ अपने चाहने वालों के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हाँ बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा उसके लिए, तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।